सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कोई अच्छे दिन लाने वाले नहीं है, अभी बुरे दिन आ रहे हैं। देखो 50 रुपए जब से मोदी आए, जब से बुरे दिन आए किसानों के, पूरे बुरे दिन आए। नहीं बिल्कुल डर नहीं लगता, वो जनता के वास्ते हम सेवा के वास्ते निकले तो काय का डर निकलेगा, अपना किसान मर रहा उसका डर नहीं है। लेकिन जो अमित शाह है, जो गृह मंत्री है, वो कहते हैं कि हम देश में 50 साल राज करेंगे। ये सब 50 साल की उम्र तो भी रहेंगे, क्या मर जाएगा बेचारा, अभी कोई 50 साल की रहने वाली नहीं, इनमें 3 साल रहेंगे बस। लोग लोहे की बेड़िया डाल के हम बोल रहे हैं कि हम गुलाम है सरकार, सरकार गुलाम है, हम गुलाम नहीं है। हम सरकार का निषेध कर रहे हैं कि ये जनता को तुम मत गुलाम बनाओ, हम गुलाम नहीं है, आप गुलाम है हमारे, सरकार नहीं आप हमारे गुलाम है, हमारे नौकर आप। लेकिन आज के जमाने में सरकार मालक बन रही है, हम लोग गुलाम बन रहे, इसलिए हम लोगों को बता रहे कि हम गुलाम मत बनो, सरकार अपनी गुलाम है। तो ये हमारा ये ड्रेस है, हम काला जो है निषेध है, ये काले कपड़े पहन के हम जो पूरे करने का तरीका है, ये तरीका है, ये कैसा पूरे इंडिया में हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन ये हमारा वेशभूषा, ये आराम से प्रसार माध्यम से, मीडिया माध्यम से, पेपर माध्यम से आराम से पहुंच जाता है। इससे लोग गुलाम का जो एक ड्रेस बनाए, इससे लोग जागरूक होते और लड़ने के लिए रास्ते पे आते। आज ये दिशा में दिख रहा, पूरा किसान आंदोलन भी एक अभी जागरूक हुआ है। हमारा जो महाराष्ट्र का जो एक जिला था यवतमाल, जहाँ 30,000 लोग के ऊपर किसान लोग मर गए, उसको हमने जागरूक करके वहाँ के किसान की जो संख्या थी अब कम हो गई है, नहीं तो पहले तो 5 साल में 15,000 के ऊपर लोग किसान ने आत्महत्या किया था। मेरा नाम बाबाराव मस्की है, ये मेरे मिसिस का नाम शोभा मस्की है, बाबाराव मस्की। हम महाराष्ट्र के एक जिला है चंद्रपुर, जो वर्ल्ड में जो तापमान का रिकॉर्ड तोड़ वहाँ का तापमान हो रहा, उस जिले के हम हैं। हमारा गांव उससे 50 किलोमीटर दूर राजूरा गांव करके तहसील है, उस गांव से हम यहाँ आए हैं। और पिछले 20 सालों से जो हम जनता को, मजदूरों को, किसानों को, वहाँ के जो नीचे का तबका है, उन जनता को हम जागरूक करते हैं। जो अपनी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, चाहे अपनी दिल्ली की सरकार हो, जो भाजपा के पहले जो सरकार थी कांग्रेस, उसके भी खिलाफ हमने बहुत सारे जनता को उठाए, जागरूक किए, उनसे लड़ने के लिए हमने सिखाया है सरकार युद्ध में कैसा लड़ना, ये सब हम जागरूक के हिसाब से। ये जो आपने रूप बना रखा है, काले कपड़े हैं, ये चैन डाली हुई है, बेल है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो लोगों को बोला था, क्या गुलाम को गुलाम की दशा बताओ, जो एक दिन अपना गुलाम उठेगा और सरकार के विरुद्ध में बंड करेगा और अपना आज़ादी मिलाएगा, उसका हम एक रूप बना के। तो आप गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है, गुलाम को हम बता रहे क्या तुम गुलाम मत रहो, ये सरकार रूप बना रखा है, हम गुलाम का निषेध कर रहे, गुलाम मत बनो आप। हम तो गुलाम का निषेध बताने के लिए हमने जो लोहे के बिड़िया डाल के निषेध करके, सरकार का निषेध करके, ये जो हम यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। अच्छा जी, यहाँ आपने क्या संदेश दिया है लोगों को? लोगों को ये संदेश दिया कि जनता आप अभी गुलाम मत बनो, अभी सरकार अपनी गुलाम बनने को ना, अपना कायदा खुद अपने हाथ से बनाओ। ये हम लोगों को बोल रहे कि सरकार अपनी कुछ भी नहीं कर सकती, सरकार को अभी तुम ठोकर मारो और नई सरकार के लिए कुछ रास्ता बनाओ। ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार चल रही है देश में 7 साल हो जाएंगे करीब। अच्छा जी, तो ये जो कानून लेकर के आई है, तीनों कानून है, इसमें बताया गया कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, ये सब का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के 6 दिन आएंगे, ये विरोध क्यों हो रहा है फिर? ये विरोध क्या गया, इसमें पहले दिन में बोला था क्या हम 15 लाख रुपए देंगे तो अभी तक नहीं मिले, 2 करोड़ बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेंगे, वो भी नहीं दिया। अभी जो किसान का तो जो है, ये तो बहुत ही फार काम का बोल रहा हूँ, वो कोई होने वाला नहीं है, इसमें तो किसान ही मरने वाला है। इसलिए किसान ने अभी जो धोखे में जा रहा था बच गया बेचारा, रास्ते पे खड़ा हो गया, और कानून को वापस करने के लिए जो जिससे अभी 100 दिन हो गए, जो जिससे भिड़ा है पूरी जनता, अभी पूरे भारत की जनता उठ रही है, किसान उठ रहे, वो बहुत अच्छा काम है। ये सरकार कोई अपने को काला कानून ही चाहिए, ये कुछ देने वाली नहीं है, कोई किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। सर, तो सरकार है वो कहती है कि जब भी हम कोई कानून लेकर के आते हैं देश के लोग विरोध करने लग जाते हैं, ये तो आंदोलनजीवी है, परजीवी है, कौन बोलते हैं? तो हमारा देशी आंदोलनकारी से जीत देश पैदा हो गया, नहीं तो हमारा क्या, हमारा क्या, जब आंदोलन नहीं करते तो ये अंग्रेज लोग भगते नहीं थे। आज वो अंग्रेज भी हमारे जो पुराने जो है भगत सिंह साहब, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी जी, ये सब लोगों ने उन्होंने भगाया, तो वो आंदोलन परजीवी थे क्या? वो आंदोलन जी नहीं, वो उनका खून में था, ये हमारे वैसा खून में, भगत सिंह का भी खून हमारा खून है वो। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कहते हैं कि किसानों ने कानून पढ़ा नहीं है, इनको बगला दिया है विपक्ष ने किसानों को। अरे कैसा जी, मेरे को बताओ, अभी आप बोल रहे हैं कि निजीकरण करेंगे,
तो निजीकरण किया था, बता हमारा कितना नुकसान होगा, उतना रेट डालेगा उद्योगपति। जैसा अभी किसान का जो किसान खाद लेता है उसका 1500 रुपये है सामने के, 1500 रुपये बोरी है, वो तो सीधी सीधी दुगनी कर देगा वो। हाँ, अभी जो कीटकनाशक जो डब्बा आता है 1 लीटर का, वो 900-800 रुपये का आता, उसका तो दुगना कर देंगे, उसका क्या अभी निजीकरण तो हो गया, तो नुकसान ही नुकसान है। वो एक, हाँ, जब रेल का स्टेशन बिकता है, हाँ, रेल बिकती है, कोई कर्मचारी आगे नहीं आता है, एयरपोर्ट बिक जाते हैं, कोई आगे नहीं आता है, विरोध क्यों नहीं करते हैं लोग बाग? अभी करते हैं लेकिन दबा रहे ना, सब करते हैं लेकिन ये सरकार उनको कैसे भी हर तरीके से उनको दबा रही है, बंद करने को लगाती है। अब ये लोग है एक दिन उठेंगे, अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं, अभी ये हो गया तो इसके साथ सभी उठेंगे, अभी उठना जरूरी है। सर पेट्रोल के दाम बताओ ना, अब लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, लोग बाग तो आते ना सड़क पे क्यों नहीं आ रहे, आ रहे आराम से आ रहे, देखो अभी हर जगह पे लोग रास्ते पे बस मंडी के ऊपर रख के गाड़ी का प्रदर्शन कर रहे, सब रोक रहे, क्या करें, पूरा देश तो बंद नहीं होगा ना, तो इसलिए धीरे धीरे सरकार को हटाना चाहती है अभी। सर जो मोदी सरकार है उसका ये कहना है कि हम जो है ना सरकारी कंपनी बेच देंगे, यहाँ पर हम व्यापार करने नहीं आए हैं, हम केवल जन कल्याण करेंगे, राजनीति के कोई नहीं करते, सब फ्रॉड करते हैं, बता रहे अपने को एक बार किसान का कायदा लागू हो गया, कोई भी कायदा लागू हो तो सीधा सीधा अपने को करना ही करना है, अपने को मरना ही मरना है, इसलिए बहुत विरोध करना बहुत जरूरी है। जब तक अभी विरोध करेंगे नहीं, रास्ते पे आएंगे नहीं, सरकार झुकेंगी नहीं। मैडम जी, जो महिलाएं हैं, चाहे दिशा रवि हो, चाहे नवदीप को, रोचा और एक्टिविस्ट रही हो महिलाएं, जो विरोध करती है सरकार का, उनको जेल में डाल देती सरकार, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, कुछ भी डर नहीं लगता, काय को डर लगेगा। लेकिन सरकार तो ये कहते थे हमारा विरोध किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, चाहे दिशा रवि हो, चाहे और एक्टिविस्ट रहे, उनको जेल में डाल दिया गया था अभी। नहीं, हमारा कुछ भी विरोध नहीं है और हम डरते कुछ भी नहीं। आप गृहिणी क्या करते हैं आप, या हाउस वाइफ है क्या है? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, एक्टिविस्ट भी हैं आप? हाँ। तो कहाँ कहाँ आपने आंदोलन किया अभी तक इस सरकार का? हमने विदर्भ के लिए आंदोलन किया, पूरा विदर्भ अलग के वास्ते आंदोलन किए, टावर का आंदोलन, तेलंगाना में गए थे, तेलंगाना अलग होने के वास्ते वहाँ भी आंदोलन किए। लेकिन ये तो जो चुनाव होते हैं राज्यों में उनमें अच्छे वोट मिलते हैं, जीतते चले जाते हैं, मशीन का तो मशीन का पार्ट है, वो वोट के वास्ते घर के वो दरवाजे ठोकते मत देव और चुन के आते है, तो अपन अपना काम कुछ भी नहीं करते हो। सर ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये कहते हैं कि हम जो है मोदी है तो मुमकिन है, देश में सब था तो सब झूठा साबित हो रहा है। अब ये मोदी कुछ भी नहीं चलने वाला, आने वाले 3 साल में पूरा मोदी पूरा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा देश से। जो संस्था है उसका क्या नाम है? देश प्रेमी संगठन है साहब, देश प्रेमी संगठन है। हाँ। आप कब से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? ये हमारा 20 साल हो गए साहब, 20 साल। तो किस किस सरकार के खिलाफ आपने क्या अभी तक प्रदर्शन? अभी हमने पिछले 15 साल पहले जो हमारे यहाँ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसके विरुद्ध में हम जो एक प्रदर्शन किया, हाँ, विदर्भ के लिए किए, किसान के लिए किए, जो हमारे किसान सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसान मरते थे यवतमाल जिले के, यानी ये भारत में विदर्भ का एरिया के लोग हैं, वहाँ के किसान 30,000 के करीब करीब मर गए, उनको बचाने के लिए हम कम से कम 2-3 साल हमने वहाँ पदयात्रा किए पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में, तो आज किसान वहाँ का बचरा बेचारा, कोई मर नहीं रहा, अभी लड़ने को तैयार हो रहा किसान सरकार के विरुद्ध। सरकार यही तो कहती है जो किसान सुसाइड करता है, जिसका अन्न का अच्छा दाम नहीं मिलता है, हम उसकी भलाई के लिए कानून लेकर के आए हैं। नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है, कोई ऐसा होने वाला नहीं है, सब अपने को ये वो रास्ते पे लेके जा रहा, मरने के रास्ते पे लेके जा रहा, लेकिन इसलिए हम उसको बचाने के लिए आ रहे, कोई ये नहीं कर रहा, ये सब सरकार सब फ्रॉड कर बोल रहा हूँ। आप 20 साल तो रखना बेकार उसको, 20 साल से प्रदर्शन करते हैं आप सरकारों के खिलाफ, ज्यादा किसके खिलाफ आपने किया है? अभी तो हमने 5 साल तो पहले कांग्रेस के खिलाफ किए, बाद में 5 साल भाजपा के विरुद्ध में किए, अभी 5 साल अभी शिवसेना का चल रहा, उसके पर अभी हम चालू करेंगे। आपको डर नहीं लगता, धमकी नहीं मिलती? नहीं, धमकी को क्या डरना है, हमको बाल बच्चे नहीं कुछ भी, हम देशवासी है बस, हम बिल्कुल कट्टर देशवासी है, देश प्रेमी लोग है, शहीद हो गए तो कोई फर्क नहीं करता हमको। करीब 200 किसानों की जान चली गई है, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला है किसानों के लिए? वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलते, दूसरी तरह रहना ही नहीं है, गद्दी पे तो बैठना ही नहीं, अभी उसको हम निकाल के फेंक देंगे अभी।